दोस्तों, हमें इसी सवाल को सुलझाना है। देखिए, सवाल कुछ इस तरह है। ये मकान मालिक है, एक कारीगर है और एक ईंट मालिक है। दोस्तों, सबसे पहले मकान मालिक कारीगर पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे अपने मकान बनवाना है, मुझे मेरे को कितना ईंट लगेंगे। तो कारीगर ने बोला कि आपको 10 ट्रक ईंटें लगेंगे। लेकिन उसकी कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि 10 ट्रक में एक एक किलो का ईंटा होना चाहिए। तो मकान मालिक ने क्या किया, ईंट के मालिक को ऑर्डर दे दिया। ईंट के मालिक ने 10 ट्रक, देखिए 1 2 3 4 पाँच 6 7 8 9 10, 10 ट्रक ईंट भिजवा दिए। लेकिन ईंट के मालिक का मुनि जो था, उससे कुछ अनबन चल रही थी, उसका बिहेव पसंद नहीं आया था। तो उसने जो मुनीब था मकान मालिक से कह दिया कि हमारे मालिक ने आपके साथ चीटिंग की है। एक ट्रक के अंदर उसने 995 ग्राम का ईंट रखवाया है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि अब 10 ट्रक में मकान मालिक कैसे पता लगाए कि 995 ग्राम का ईंट किसमें है। दोस्तों, आप सवाल हल करिए, हम आपको बताते हैं। तब तक दोस्तों, इस सवाल का हल बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए और ज़्यादा लाइक कीजिए। टारगेट कम से कम 500 लाइक हो इस पर। तो आप लोग हल कर ही लिए होंगे कि आखिर में कौन सा ट्रक है जिसमें 995 ग्राम ईंटें भरी हुई हैं। तो आइए हम बताते हैं, जो जहाँ कर लिया वो कमेंट में हमारे भेज दिए। आइए हम बताते हैं। तो मकान मालिक क्या किया, वो ईंट के भट्टे वाले पास गया, पूछ कहा कि तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, हमारे किसी ट्रक में आपने 995 ग्राम का ईंट रख दिया है। तो अब मीट के बारे वाला भाई, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, आपको किसी ने बहकाया है। मकान मालिक बोला, नहीं ऐसा हुआ है, हमें खबर मिली है। तो ईंट का मालिक शर्त रखता है कि अगर अगर आप ये साबित कर दें कि 995 ग्राम का ईंटा हमारे किसी ट्रक में है, तो आपको हम पूरी ट्रक का पूरी ईंट का पैसा आपसे नहीं लेंगे। मकान में हैरान हो गया, कैसे करें, तो आइए करते हैं। मकान में सबसे पहले क्या किया कि इस ट्रक के ऊपर 1 नंबर डाला, दूसरे पर 2 नंबर डाला, तीसरे पर 3 नंबर डाला, चौथे ट्रक पे 4 नंबर, पांचवे ट्रक पे 5 नंबर, छठे ट्रक पे 6 नंबर, सात ट्रक 7 नंबर, आठ आठ नंबर, 9 ट्रक 9 नंबर और 10 ट्रक पे 10 नंबर। लेकिन इसकी कंडीशन थी कि आप एक ही बार तौल कर सकते हैं, या तो पूरा 10 ट्रक को एक कांटे पर रख के तौलिए, या तो 10 ट्रक से ईंटें निकाल कर आप तौल सकते हैं, लेकिन एक ईंटा आप नहीं तौल सकते हैं। यही कंडीशन इसकी है। तो आइए हल करते हैं। जब मकान मालिक ने नंबर डाल दिया, तो पहले ट्रक से उसने निकाला 1 ईंट, दूसरे ट्रक से 2 ईंट, तीसरे ट्रक से 3 ईंट, चौथे ट्रक से 4 ईंट, पांचवे ट्रक से 5 ईंट, छठे ट्रक से 6 ईंट, सातवें ट्रक से 7 ईंट, आठवें ट्रक से 8 ईंट, नौवें ट्रक से 9 ईंट, दसवें ट्रक से 10 ईंट। दोस्तों, नंबर डाल के उसने एक ट्रक से 1 ईंट, दो ट्रक से, ऐसे करके 10 ट्रक से निकाल लिया है। अब दोस्तों, इसको जोड़ दिया जाए, 1 2 3 5 जोड़ लीजिए, टोटल आपको मिलेगा 55। हाँ दोस्तों,
पचपन। अब 55 ईंटों को उसने बड़े से कांटे पे रख दिया, बड़े से तराजू पे उसने रख दिया। लेकिन अगर एक ईंट कम, एक ईंट पहले पूरे जब 55 डाला तो पूरा मिला के ईंट होता है 55 किलो। अगर पूरे 10 ट्रक में एक एक किलो का ईंट होता है तो पूरा होता है 55 किलो। ठीक दोस्तों, लेकिन जब उसने नापा तो इसमें 55 किलो ना होकर के 5 ग्राम कम मिला, यानी कि 54 किलो 95 ग्राम मिला, यानी कि 5 ग्राम सिर्फ कम हुआ। इसका मतलब दोस्तों हो गया कि एक नंबर का जो ट्रक था उसमें 995 ग्राम का था। ये कैसे? देखिए दोस्तों, अगर 5 ग्राम कम हुआ है, क्योंकि हमने एक ट्रक से एक ईंट लिया, दो ट्रक से दो ईंट लिया, तीन ट्रक तीन ईंट लिया, ऐसे लिए हैं। अगर सिर्फ 5 ग्राम कम हुआ, यानी एक ईंट जब हम एक ईंट है उसमें, तो 5 ग्राम कम होता पहला नंबर, अगर 10 ग्राम कम होता दूसरा नंबर, अगर 15 ग्राम कम होता तीसरा नंबर ट्रक था। ऐसे करके दोस्तों, अगर 7वां नंबर होता तो 35 ग्राम कम होता, 10वां होता तो 50 ग्राम कम होता। इसलिए दोस्तों, ये ट्रक है पहला जिसमें ईंट कम किया गया है। तो दोस्तों, भाई वीडियो कैसे लगी? अच्छा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। अब मैं घंटी जमा दीजिए। तब तक नमस्कार।